नमस्कार जी। सत साहिब। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना। क्या नाम है आपका? सुनीता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जुलाई 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर, मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। आपने कितने साल तक राधा स्वामी पंथ में भक्ति की? नाम दीक्षा तो सर मैंने ली 1997 में। उस वक्त जब मैंने ली ना 1997 में, तो जैसे मैंने 1997 में नाम दीक्षा ली, तो जैसे जिस परिवार से मैं जुड़ी थी, वो ससुराल वाले, वो भी सब कट्टर राधा स्वामी थे एकदम। जो मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने तो कभी ये नॉनवेज वगैरह टच भी नहीं किया था, मगर उनमें क्रोध अहंकार इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो 1997 में जैसे नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैं घर आई, तो उसके बाद घर में इतना क्लेश हुआ कि 97 में मैं नाम दीक्षा ली, 99 में मेरा डिवोर्स हो गया, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर मेरा 3 साल केस चलता रहा, उसके बाद मैं अपने मायके चली गई। तो फिर 3 साल ऐसी लड़ाई झगड़े का केस चलता रहा, 99 में डिवोर्स हो गया, उसके बाद हम अलग से रहने लग गए। तो उसके बाद फिर मेरा विश्वास तो उस भक्ति से बिल्कुल ही उठ गया था, तो मैंने राधा स्वामी डेरे में चिट्ठियाँ भी डाली, तो वहाँ भी मैंने आपका नाम दीक्षा ली, तो भी मेरे से ऐसे क्यों होने लग गया ये सब। उसके बाद मेरे को विश्वास तो रहा नहीं उस, ना मैंने वो भक्ति की। उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने अपना घर बनाया, तो वहाँ पे हमारे ही कॉलोनी में ना राधा स्वामी सेंटर नया खुला, तो मैं सभी किसी को पहले बताती नहीं थी कि भी मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई हूँ। तो फिर मैं जब सेंटर खुला ना, तो फिर मैंने बता दिया कि मैं भी इसी पंथ से जुड़ी हुई हूँ इतने साल से, तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। वो कह रहे तुम मंत्र सुनाओ, तो मैंने बता दिया। वो कह रही हाँ भाई बात तो सही है भाई, यही मंत्र है। उसके बाद मेरी सहेलियां जो सब थी, वो मेरे को ऐसे ही ले गई, चल तू नया सेंटर बन रहा है उसमें सेवा कर, सब बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं उस सेंटर में जाने लगी, जैसे उस सेंटर में जाने लगी तो मैंने देखा थोड़ा भाव, फिर मेरे अंदर भी वैसे ही भक्ति, फिर मैं वो साधना करने लग गई। वो जैसे बैठ कर करते हैं 2.5 घंटे, वैसे बैठ के मैं भी वो साधना करने लग गई, तो सेवा में भी जाने लग गई, ब्यास भी जाती, लोगों की सेवा मैंने ली हुई थी, मेरा बैच भी बन गया था, सिक्योरिटी का भी बन गया था, तो मतलब रात दिन में सेवा में जाने लग गई। उसके बाद जब मैंने वो सेवा इतने में तन मन धन से करती, जैसे लंगर की सेवा में बैठती थी ना, तो लोग जो और औरतें थी वो थोड़ी देर करती और उठ के चल जाती, कभी बाथरूम कभी क्या, और मैं जब तक जितनी देर सेवा चलती उतनी देर ही मैं उसको एकदम तन मन से उस सेवा को करती विश्वास से। तो उसके बाद मेरे को धीरे धीरे बीमारियाँ आ गई, थायराइड हो गया मेरे को, यूरिक एसिड, मेरे से कोई घर का काम ना हो, झाड़ू पोछा कुछ ना लगे, शरीर इतना भारा हो गया, दवाइयाँ इतनी इतनी सारी हो गई, बस ऐसी बीमारियाँ लगने लग गई मेरे को। आपको राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आपको कैसे लगा कि यह साधना सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलना चाहिए? हाँ, फिर ऐसे था, मेरे बड़े भाई हैं पहले, वो जुड़े गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से भाई, वो जुड़े, वो 2013 में जुड़े थे मेरे बड़े भाई। तो वो आते मेरे पास और मेरे को पूछते भाई तू अपने सत्संग का मेरे को ज्ञान सुना, नहीं तो फिर मैं तेरे को अपने गुरुजी का सारा ज्ञान सुनाता हूँ। तो मेरे को तो कोई सत्संग का ज्ञान, मैं तो सेवा ही करती, सत्संग का तो मेरे को कोई ज्ञान में कि ये मंत्र दिया, बस मंत्र करो इससे मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा, भाई यही था भाई, बाबा जी आते लेने, सब ऐसे ही बोलते थे, इन्हीं बातों पर यकीन करती थी मैं। तो बस वे मेरे भाई मेरे को ऐसे रोज़ समझाते, आके रोज़ समझाते, तो मैं उनकी वजह से लोक लज्जा मान बढ़ाई इसमें फंसी हुई थी, भी लोग क्या कहेंगे, इसने तो गुरु छोड़ दिया भाई। जैसे एक मेरी दुकान भी है मनियारी की और ब्यूटी पार्लर भी, सभी मेरे राधा स्वामी जितने सब सबसे बहुत अच्छी जान पहचान थी, भाई सब क्या कहेंगे, ले इसने तो गुरु बदल लिया, वैसे कहते गुरु तो बदलना नहीं चाहिए, तो बस इसी मान बढ़ाई। फिर उसके बाद मेरे भाई मेरे को ले गया अपने घर, तो मेरे को सत्संग सुनाने लग गया। उस वक्त गुरु जी के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आती थी 13 में संत रामपाल जी की, उस वक्त मेरे को कोई इतना उस पर असर ही नहीं हुआ, कोई सुना ही नहीं, क्योंकि उसका रंग जड़ा हुआ था। फिर एक बार मेरे को मेरा भाई मेमोरी कार्ड दे के गया, तो वो मैंने ना मोबाइल में लगा के कह रहा तू ये सत्संग सुन। तो जैसे जैसे मैं सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने लगी ना, तो जैसे जैसे मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लगा, भाई ये तो क्या था, हम क्या कर रहे थे, कितना ये इसमें दिया हुआ, ये तो कोई इसके नाम का भी हमको अर्थ नहीं पता, भाई जो ये मंत्र देते हैं भाई किसके हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो सब काल की भक्ति है। तो फिर मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लग गया। मैंने जैसे ना 10-15 दिन ही सुना खूब लगातार, काम मोबाइल लीड लगा लेती कान में, काम करती रहती सत्संग। तो एक दिन मेरे को ना संत गुरु रामपाल जी महाराज, जैसे मैं सो रही थी जागते में ही, तो गुरु जी आए रात को सपने में, तो उन्होंने ना मेरी बॉडी पे एक ऐसा लेप लगाया
उसकी खुशबू मैंने आज तक कभी देखी ना सुनी, गोल्डन गोल्डन कलर का ऐसे लगाया। और मेरा बेटा मेरे साथ ही, मैं सो रहा था तो जैसे ऐसे जैसे उन्होंने मेरे को लेप लगाया, जब मैं सुबह उठी तो मेरा शरीर एकदम हल्का, जैसे सारी बीमारियां खत्म हो गई, कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त। मैं इतना भाग भाग कर सब घर का, कभी मेरे से पोछा नहीं लगता था, मैं सारा घर का काम करूँ, पोछा लगाऊँ, सब कुछ करूँ। तो मेरी मम्मी बोल रही तेरे को क्या हो गया, तू तो बड़ा काम करने लगी। तो फिर मैंने ना, जब मेरा भाई आया फिर मैंने उसको ऐसे बताया, भाई रात को संत रामपाल जी गुरु जी है ना आपके, मेरे सपने में आए, मेरे को ऐसे लेप लगाया, मेरे को तो ठीक कर गए। मैंने उसके बाद कोई वो जो एक टेबलेट डेली खानी होती है खाली पेट, उसके बाद मैंने कोई गोली नहीं खाई, कोई कुछ नहीं खाया। फिर मैं अपने भाई से पीछे पड़ गई, मेरे को आश्रम ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है, मेरे को ले चलो आश्रम। तो मेरा भाई बोल रहा कोई बात नहीं, अभी तू सत्संग सुन फिर ले। मैं कहा नहीं, तू अब मेरे को ले चल, बस अब मेरे को ले चल तू सत्संग, भाई मैंने जाना आश्रम, नाम दीक्षा लेनी है। फिर ऐसे फिर 4 जुलाई 2014 को फिर मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ एक तो यही शारीरिक लाभ मिला कि सब बीमारियां जो है खत्म हो गई, कोई दवाई अब मैं, मेरी कोई थायराइड बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल, चाहे जितना मर्जी मैं काम करूँ, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये तो ये बीमारियां सब ठीक हुई। और जो दूसरे लाभ है घर के लाभ, पहले मैं जब दुकान चलाती थी इतना मेरे को हाय हाय थी ना, ये भी सामान ला के बेच लूँ, ये भी सामान ला के बेच लूँ, मतलब तो लगा रहा इसमें मुनाफा हो जाए, इसमें मुनाफा हो जाए, मगर होता कुछ नहीं था, कर्जा कभी सिर से उतरता नहीं था, उतना बाजार से उधार लाती माल और उसको बेचती, बस ऐसे लोग भाई इसकी दुकान बहुत चलती है, कर्जा सिर पर ऐसे ही रहता। और जब से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तब से तो सारा एक तो कर्जा उतर गया, कोई एक कर्जा कुछ भी नहीं है बिल्कुल ही, सब कर्जा खत्म हो गया, घर में सब आर्थिक लाभ, सब कुछ सुख सुविधा सब कुछ हो गई। और उसके बाद जैसे मेरी लड़की थी मतलब कि पढ़ाई, तो उसको मैं पहले कोर्स करवाना चाहती थी, वो भी मैं सोचती रहती इतने पैसे कहाँ से लाऊं, भाई जैसे अब मेरे हस्बैंड तो है नहीं, भाई बच्चे मेरे, तो भाई कैसे कराऊँ उसको, कैसे ना कराऊँ। जब से संत रामपाल जी महाराज, उसको कोर्स भी करा लिया, 75,000 उसकी फीस लगनी थी वो भी हो गया, उसके बाद उसका ऑटो का किराया 2,000 रुपये महीना था वो भी हो गया, 1.5 लाख उसके कोर्स में वो बड़े आराम से हो गया, कोई परेशानी नहीं आई, ये भी एक लाभ है। बहन जी भक्त समाज से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? भगत समाज सबसे ये बोलूँ, सब ये नकली भक्ति सब ये छोड़ो, परमात्मा आए हुए संत रामपाल जी महाराज, वो जबकि किसी ने आज तक भी टीवी पे ऐसे ग्रंथ खोल के नहीं दिखाए, वो उन्होंने सब ग्रंथों में खोल कर कर सिद्ध कर दिया कि देखो यहाँ पे ये परमात्मा, यहाँ पे ये उन्होंने एक परमात्मा को सिद्ध करके दिखा दिया सब ग्रंथ शास्त्र खोल के। और वो जो भक्ति देते सब ग्रंथ शास्त्रों के उसके हिसाब से भक्ति देते, और हमको वही करनी चाहिए जभी हमको लाभ होगा। सब भगत समाज से यही बोलना चाहती हूँ कि सब ये सही को पहचानो, ये मान बढ़ाई का सब छोड़ दो सब ढोंग। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो जो साधना चैनल पर सत्संग आता शाम को, उसके नीचे जो येलो पट्टी उस पर नंबर लिखे हुए थे, वहाँ पे फोन करते हैं और सब जुड़ जाते हैं, हर शहर में नामदान स्थल खोले हुए गुरु जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, सत्साई।